दोस्तों, मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ जी, इसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जी, पीछे भी बर्फ जमी हुई है। इस साइड पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ भी बर्फ जमी हुई है। और इधर आए तो आप देख सकते हैं जी, वहाँ पर भी बर्फ जमी हुई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी, बर्फ जमी हुई है। 6 दिसंबर 2023 और 6 दिसंबर 2023 को यहाँ की जो मौसमी कंडीशन है वही आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सर्दी इस वक्त यहाँ पर चल रही है जी। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं जी, यहाँ दिन के 1 बजे और बकरा धूप निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर नदी दिन के 1 बजे भी जम रही है। ये आप देख सकते हैं जी, धूप निकली हुई है, आसमान साफ है, लेकिन सर्दी इतनी है कि दिन के 1 बजे भी यहाँ पर बर्फ जम रही है। ये आप देख सकते हैं। दपा गांव सत समंदर से 4000 मीटर की बुलंदी पर वाकई खरमंग का एक दूरअफ्तादा और पसमंदा गांव है, और ये ज़िला खरमंग यूनियन काउंसिल कतीशो का आखिरी गांव है। अब यहाँ जो जो सर्दी में इजाफा होता है, लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा होता जाता है। ये आप देख सकते हैं, दिसंबर 2023 के मनाजिर, यहाँ पर बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। सर्दी दिन ब दिन सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। सर्दी में इजाफे के बाइस सड़कों पर बर्फ़ का जमना रोज़ का मामूल है, और लोग बारी बारी यहाँ रोज़ाना बर्फ़ को तोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से यहाँ चश्मे, आबशारें, नदी नाले, पाइपलाइनें सब जम जाती हैं।
अब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जी, वहाँ पर नदी तीन हिस्सों में डिवाइड है और ये तीनों जगह बर्फ से जम गई है। ये आप देख सकते हैं जी, दो हिस्से ये उधर हो गए जी और एक हिस्सा ये यहाँ पर से नदी नीचे की तरफ बह रही है। तीनों जगहों पर ये अब बर्फ बननी शुरू हो गई है।